मैं लगभग 7-8 महीने बाद घर लौटी हूँ, तो इधर उधर अलग अलग देशों में जाना पड़ रहा था प्रैक्टिस मैच के लिए, तो हम लोग बहुत सारे देश में गए। खिलाड़ी को उसके अंदर सिर्फ जुनून होना चाहिए, उसको खेलने का इच्छा होना चाहिए, वो अगर छोटे इलाके से भी है तो वो भी आगे जा सकती है। उसको तो गांव देहात है, तो इधर का माहौल तो गांव के जैसे है, उधर उधर तो टाउन है। तो फिर नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश मिश्र और आप देख रहे हैं जीएन भारत। मैं इस वक्त मौजूद हूं अष्टम उरांव, जो आज नाम का मोहताज नहीं है, पूरे विश्व में अष्टम उरांव का नाम कृति यश आगे बढ़ रहा है। सारे देश के लोग अष्टम उरांव को एक कप्तान के रूप में देख रहे हैं। भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उरांव आज पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रही है। उसका एक घर देखिए, कितना सामान्य घर, कितना सिंपल घर, एक खपड़ा का मकान है। उनके पिताजी सामने खड़े हैं और इतना सामान्य घर में रहकर मार भात खाने वाली एक बेटी आज राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही है। आश्चर्य होता है ऐसी बच्ची को देखकर, जो गरीबी में पली बढ़ी और आज फुटबॉल को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर नाम ऊँचा कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अष्टम उरांव के घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ अष्टम उरांव जी बैठी हुई हैं। इनके घर को देखने के बाद आश्चर्य होता है कि ये घर के गरीब बेटी, माड़ भात खाने वाली बेटी आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है, नाम रोशन कर रही है। लाखों युवा युवती, लड़के लड़कियां इनको फॉलो कर रही हैं। हम इनसे बात करते हुए आगे बढ़ाते हैं अपने विषय को। अष्टम जी, सबसे पहले जीएन भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। अष्टम जी, आप राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हो गई हैं, एक छोटे से गांव से निकलकर आप इतने बड़े खिलाड़ी हो गए, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि छोटा इलाका या बड़ा इलाका, खिलाड़ी को उसके अंदर सिर्फ जुनून होना चाहिए, उसको खेलने का इच्छा होना चाहिए, वो अगर छोटे इलाके से भी है तो वो भी आगे जा सकती है अगर उसके अंदर जुनून है खेलने का। मैं लगभग 7-8 महीने बाद घर लौटी हूँ और इसके बीच हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा था, तो इधर उधर अलग अलग देशों में जाना पड़ रहा था प्रैक्टिस मैच के लिए, तो हम लोग बहुत सारे देश में गए और मैचेस खेले और हम लोग का अच्छा ट्रेनिंग था उधर। कहाँ कहाँ गए? हम लोग स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। एक गांव की एक लड़की, एकदम अंतिम गांव है, नक्सल प्रभावित गांव है, कभी यहाँ पर नक्सलियों की बूट गूंजा करती, और इतना दूरस्थ एरिया में, इतने छोटे से घर, इतने छोटे संसाधन, माड़ भात खाने वाली एक बेटी गांव की, और इतना विदेश में जा रही है, बड़े बड़े शहरों का तामझाम देख रही है, बड़े बड़े लोगों से मिल रही है, कैसा फीलिंग आ रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रहा था कि अब मैं इधर इस एरिया से, मतलब कि इस एरिया का नाम रोशन हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्या अंतर लगता है इन एरिया और उन बड़े बड़े शहरों में, आप जब देखती होंगी, प्लेन में चढ़ती होंगी, तो कैसा फीलिंग आता है, एकदम दिल से बताइए। उधर का माहौल अलग है और इधर का माहौल, ये तो गांव देहात है, तो इधर का माहौल तो गांव के जैसे, उधर उधर तो टाउन है, तो फिर उधर के पढ़े लिखे लोग हैं, तो उधर थोड़ा विकसित है, इधर थोड़ा विकसित होगा, धीरे धीरे हो रहा है, डेवलप हो रहा है। गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? उतना बड़े दुनिया में से आप आई हैं, कई देश घूम कर, गाँव में जो लोग रहते हैं, अंतिम जीवन जीते हैं, गरीबी में रहते हैं, अभाव में रहते हैं, और उसके बीच में कई बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो फुटबॉल के, क्रिकेट के में तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको कुछ नहीं, मैं बस यही कहूँगी कि वे प्रैक्टिस करें और टूर्नामेंट होता है तो पार्टिसिपेट करें, और प्रशासन से चाहती हूँ कि वे गांव देहात में भी टूर्नामेंट कराएं, ताकि जो गाँव के बच्चे उन वे आगे लेवल तक जा सके और उनका परफॉर्मेंस दिख सके। ये नहीं, ये कभी कभी होता है कि गांव के बच्चे, अगर टूर्नामेंट नहीं होता है तो फिर गांव के बच्चे नहीं दिख पाते हैं, जिसकी वजह से वे जिले स्तर पे नहीं जा पाते हैं और फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गांव में भी टूर्नामेंट कराया जाए। अष्टम जी, आप कल जब आई रांची तो मुख्यमंत्री जी ने आपका स्वागत किया, मुख्यमंत्री जी बुलाए, तो वहाँ आपसे कोई बात भी हुई क्या मुख्यमंत्री जी से? क्या कहा? हम लोग को वहाँ मिलके बहुत अच्छा लगा सर, हम लोग को मोटिवेट किए, बधाई दिए, फिर हम लोग को हमारे मतलब रांची में अच्छे स्टेडियम का निर्माण होगा और हमें सपोर्ट करेंगे।
आप बोलती बहुत कम है अष्टम जी, केवल मुस्कुराती हैं। मीडिया वाले जो सवाल करते हैं तो केवल मुस्कुराती है, बहुत कम बोलती हैं, ऐसा क्यों? बोलती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आपके टीम में और कैसा लग रहा है, आपके आपका टीम सपोर्ट कर रहा है आपका, कैसा टीम के बारे में जरा बताएंगे? हमारा टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरी टीम बहुत हार्डवर्क करता है जिसकी वजह से आज हम लोग इस लेवल तक हैं और हम लोग आगे इसी तरह हार्डवर्क करते रहेंगे और आने वाले टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फीलिंग कैसा है? मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे कप्तान बनने का पहले से शौक था, तो मैं जब मुझे कप्तान के रूप में ऐलान किया गया तो मैं बहुत खुश थी। आप सबसे पहले इस मैसेज किसको बताई जब आपको जानकारी मिला, तो सबसे पहले आप न्यूज़ टीम को दी? सबसे पहले मेरे से पहले सबको पता चल गया था शायद। अच्छा अच्छा जी, आपके नाम पर गांव में सड़कें बन रही हैं, टीवी लग गए हैं और आपके घर में कुर्सी टेबल सज गया है, सड़कें बन रही है, स्टेडियम निर्माण होना है आपके नाम पर, तो आपको अंदर में कैसा फील होता है सब जान के? सबसे पहले तो प्रशासन को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमारे गांव में अच्छे सड़कें नहीं थी तो अच्छे सड़कें दिए और हमारे घर में टीवी नहीं था तो टीवी भी बन रहा है और अभी स्टेडियम बनने वाले हैं जिसमें मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करके अच्छे फुटबॉलर बन सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सपोर्ट करें उन्हें। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं खेल के प्रति उनको भी कहते हैं कि खेल से कुछ नहीं होता है बेटा, खेल में ध्यान मत दो, लाइफ बर्बाद कर रहे हो, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उन पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे को सभी बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी को खेलने में, किसी को पढ़ाई करने में, किसी को अदर चीज़ में, तो बच्चे को मतलब जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ में उसको सपोर्ट करें ताकि वे उस चीज़ पे आगे बढ़ सके और उसे एक अच्छा स्टेज मिल पाए। अष्टम जी, क्षेत्रीय सांसद और विधायक आपसे मोबाइल पर बातचीत करके हालचाल जाना क्या, या कोई कांटेक्ट हुआ, या कोई सुविधाएं आपको प्रदान की गई क्या सांसद विधायक की तरफ से? सबसे पहले तो मैं सांसद और विधायक को नमस्ते करना चाहती हूँ, उन लोग हमारे पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट किए, उनके घर गए मिले और हमारे यहाँ लैपटॉप दिए, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे घर में भी चाहिए होता है तो हमें सपोर्ट किए, इसके लिए थैंक यू सर। कौन सा सांसद दिए या विधायक दिए, नाम क्या है उनका? विधायक। कौन सा विधायक? कमरा लिंडा। अच्छा, क्या दिए? लैपटॉप, पढ़ाई लिखाई कर। अच्छा अच्छा, आप गई थी क्या? हाँ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करना। क्या क्या बोले सांसद महोदय विधायक जी? पढ़ाई लिखाई कर खर्चा देखो सुन बोल। अच्छा, लैपटॉप वही दिए। अच्छा अच्छा, अष्टम जी, जीएन भारत को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।